यही तो है, आपने हमेशा अपनी बुराई के पीछे खुद को छुपाया है। मुझे तो आपने हमेशा ना समझ और बेवकूफ समझा है, जिसकी हिमाकतों पे कभी हंसती है कभी डांट दिया, लेकिन मैं आपको समझ चुकी हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में जिन अदाकाराओं को सही मानों में उरूज मिला है उनमें मरीना खान का नाम सरे फहरिस्त है। मरीना खान एक इंतहाई खूबसूरत अदाकारा थी जो आते ही स्क्रीन पर छा गई। जब वो स्क्रीन पर नजर आती तो मद्दाहों की नजरें वहीं टिक जाती, उनके ड्रामे देखने के लिए बाजार सुनसान हो जाते। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां और धूप किनारे ने इस हसीना को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। वो ऐसी अदाकारा थी जो हर लिबास में खूब जची। वो मगरबी लिबास पहनकर टीवी पर आती तो मगरबी शहजादी से कम न लगती। मरीना खान ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया मगर सब कुछ होने के बावजूद आज भी वो अधूरी हैं। एक ऐसी चीज जिसने उन्हें कभी मुकम्मल न होने दिया और हमेशा हमेशा का दुख उनके साथ चला आया है। मरीना खान की पैदाइश 1962 को पिशावर में हुई। मरीना का ताल्लुक एक जद्दी पुश्ती खुशहाल पश्तून घराने से था। उनके दादा टानक के इलाके के नवाब थे। मरीना के वालिद रहमत खान पाकिस्तान एयरफोर्स में थे जबकि उनकी वालिदा एहना एक इंग्लिश खातून थी। मरीना खान का सिर्फ एक बड़ा भाई था। मरीना की परवरिश बहुत मोहब्बत से मगर डिसिप्लिन के माहौल में हुई। उन्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत मुयस्सर आई लेकिन मरीना के वालिद की नौकरी की वजह से उन्हें हर दो साल बाद नकल मकानी करना पड़ती थी। मरीना का कहना है कि इस वजह से वो बचपन में गहरी दोस्तियां नहीं बना सकी। उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वो एक बाएतमाद और खूबसूरत लड़की थी। इसके साथ साथ वो कदरे आजाद ख्याल और मॉडर्न भी थी। उस दौर में शोबिज को ऐसी लड़कियों की जरूरत रहती थी। खास तौर पर टेलीविजन ड्रामों के प्रोड्यूसर्स अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी लड़कियों की तलाश में रहते थे जो ड्रामों में अदाकारी कर सकें। मरीना खान के बारे में बआसानी तवक्को की जा सकती थी कि वो शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखेंगी और ऐसा ही हुआ। वो सबसे पहले पाक फिजाइया से ताल्लुक रखने वाले कौमी हीरो शहीद राशिद मिनाज के हवाले से बनने वाले एक ड्रामा से टीवी स्क्रीन का हिस्सा बनी। इस ड्रामा में उन्हें सपोर्टिंग रोल मिला था। ये ड्रामा बेहद मकबूल हुआ। बेशक इसमें मरीना खान का सपोर्टिंग रोल था लेकिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इस नौजवान हसीना में एक हीरा देख लिया था और यही वजह है कि उन्हें बहुत बड़ा ड्रामा तन्हाइयां मिल गया। मरीना खान स्क्रीन के लिए ऐन मौजूद थी लिहाजा उन्हें कामयाब होने में जरा भी देर नहीं लगी। मारूफ हिदायतकार शहजाद खलील ने अपने ड्रामा तन्हाइयां में मरीना को लीड रोल में कास्ट किया जिसने मरीना की जिंदगी बदल दी। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां 1985 में रिलीज हुआ। ये पीटीवी के मकबूल तरीन ड्रामों में शुमार किया जाता है। लेजेंडरी राइटर हसीना मुइन के लिखे हुए इस खेल को बेमिसाल अवामी पजीराई हासिल हुई। इस ड्रामा के सब अदाकार रातों रात सुपरस्टार बन गए थे और उन्हीं में से एक स्टार मरीना खान थी। मरीना ने सीरियल के दो मरकजी किरदारों में से एक यानी सानिया का किरदार निभाया था। दूसरा मरकजी किरदार यानी जारा का कैरेक्टर शहनाज शेख के हिस्से में आया। इन दोनों किरदारों को इस कदर पजीराई हासिल हुई कि लोगों ने अपनी बेटियों के नाम भी जारा और सानिया रखे। ये मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली दो बहनों के किरदार थे जो माँ बाप की हादसाती मौत के बाद कराची में अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में मगन हो जाती हैं और यूं उनकी कहानी जन्म लेती है जो इस ड्रामा सीरियल की कहानी बनती है। शहनाज शेख और मरीना खान दोनों ने अपनी बेहतरीन और पुरएतमाद अदाकारी से हसीना मुइन के तख्लीक करदा इन खूबसूरत कैरेक्टर्स में जान फूंक दी। यही वजह थी कि इन दो किरदारों और उनकी इस कहानी को जबरदस्त पजीराई हासिल हुई। पढ़ने से क्या फायदा है, आंखें खराब हो जाती हैं, रंग झुलस जाता है, चेहरा लटक जाता है, बाल सफेद हो जाए, बूढ़ी लगने लगूंगी मैं। पढ़ने लिखने जॉब करने इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि सब शादियां कर लें। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां की कास्ट में मरीना खान और शहनाज शेख के अलावा आसिफ रजा मीर, बदर खलील, उजरा शेरवानी, काजी वाजिद, दुर्दाना भट्ट और बहरोज सब्जवारी जैसे सितारे शामिल थे। बहरोज सब्जवारी ने ड्रामे के टेलीकास्ट होने से एक रात कबल मरीना खान को बताया था कि ये तुम्हारी नॉर्मल लाइफ की आखिरी रात है, इसके बाद तुम आजादी से नहीं घूम सकोगी क्योंकि हर जगह तुम्हें मद्दाह घेर लेंगे। उस वक्त तो मरीना ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया लेकिन जब तन्हाइयां सुपर हिट हुआ तो बहरोज सब्जवारी की ये बात सच साबित हुई। मरीना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, वो जहां जाती फैंस का हुजूम इकट्ठा हो जाता। तन्हाइयां में मरीना की शानदार कामयाबी के बाद दीगर प्रोड्यूसर्स ने भी उन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया लेकिन मरीना ने सिर्फ म्यारी स्क्रिप्ट्स और अच्छे रोल्स ही साइन किए। यूं तो उन्होंने कई मशहूर ड्रामा सीरियल्स में काम किया जिनमें सबसे यादगार ड्रामा धूप किनारे था। 1987 में नशर होने वाले इस ड्रामा सीरियल
धूप किनारे की राइटर हसीना मुईन जबकि डायरेक्टर सायरा काजमी थी। ड्रामे में मरकजी किरदार मरीना खान का था। वो अपने मशहूर बॉय केट के साथ डॉक्टर जोया के शोख अलड़ और इंतहाई प्यारे कैरेक्टर्स में खूब जची। उनके मुकाबले हीरो राहत काजमी थे जो उनसे बड़ी उम्र के संजीदा मिजाज डॉक्टर के तौर पर नजर आए। इस ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान और भारत में बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई जो आज कई दहाइयां गुजर जाने के बाद भी कायम है। भारत में इसकी नकल करके कई मर्तबा ड्रामे बनाने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी। मरीना खान ने अपनी अदाकारी, खूबसूरती और खुद एतमादी से हसीना मुईन के स्क्रिप्ट में जान डाल दी थी। मरीना ने इस ड्रामे को एक लंबी और जावेदा जिंदगी बख्शी। इस ड्रामे की सीरीज आज भी बिकती है और यूट्यूब पर इसे लाखों लोग देखते हैं। आपने सही अंदाजा लगाया, मैं डॉक्टर अहमर को पसंद करती हूँ और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो मुझसे बड़े हैं या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। इसलिए डॉक्टर शीना, मोहब्बत में और दुकानदारी में बड़ा फर्क होता है। आपने अपनी सारी उम्र दुकानदारी की, तभी इतना धोखा खाया। ड्रामा सीरियल धूप किनारे और तन्हाइयां के अलावा मरीना के क्रेडिट पर एहसास, कुहार, पड़ोसी, जंगल, निजात, तुमसे कहना था, तन्हा और बेवफाइयां जैसे यादगार ड्रामे शामिल हैं। जंगल और ड्रामा सीरियल निजात और कुहार जैसे ड्रामों में डिप्रेशन, नफसियाती मसाइल और औरतों पर होने वाले मजालिम जैसे मौजूद के साथ इंतहाई जहानत और खूबसूरती से डील किया गया। इन ड्रामों में मरीना खान ने भी इंतहाई मेहनत से काम किया और अपने किरदारों में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके अपने पसंदीदा ड्रामा में से एक तुम से कहना था भी है। इस ड्रामा सीरियल की कहानी एक अंग्रेजी फिल्म वाइल यू वर स्लीपिंग पर मुबनी थी। मरीना के करियर का एक यादगार तजुर्बा ड्रामा सीरियल तन्हा भी था जो 90 की दहाई में स्टार प्लस पर नशर हुआ। ये धूप किनारे की तर्ज पर बनाया गया एक ड्रामा था जिसकी कहानी हसीना मुईन ने ही लिखी थी मगर डायरेक्शन और कास्ट का बड़ा हिस्सा इंडियन था। इस ड्रामे की शूटिंग के सिलसिले में मरीना खान कई हफ्तों तक मुंबई में मुकीम रही। ड्रामों के अलावा 90 की दहाई में मरीना खान कुछ फिल्मों में भी जलवागर हुई। इक्कीसवीं सदी की आमद के साथ जब म्यारी काम होना कम हुआ और पीटीवी भी जवाल पजीर हो गया तो मरीना ने भी कई साल के लिए शोबे से किनारा कशी इख्तियार कर ली। लेकिन फिर 2009 में वो इस दुनिया में वापस आईं। अब की बार वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि हिदायतकारी के जौहर भी दिखा रही थी। उनकी डायरेक्शन में डोली की आएगी बारात, आजर की आएगी बारात, एनी की आएगी बारात जैसे कामयाब ड्रामा सीरियल्स बने और नशर हुए। उन्हें जियो एंटरटेनमेंट की कॉन्टेंट हेड भी बनाया गया। उन्होंने ड्रामा सीरियल तन्हाइयां को तन्हाइयां नए सिलसिले के नाम से आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। इसके अलावा अब वो मुतअद्दिद ड्रामा में बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी नजर आती हैं। उनके मद्दा आज भी उनकी अदाकारी देखने के शायक रहते हैं। पेशा वराना जिंदगी में तो मरीना ने ज्यादातर कामयाबियां ही देखी लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें कई नशीबो फराज देखने पड़े। उनके वालिदैन अगरचे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे लेकिन जब मरीना मोहब्बत में गिरफ्तार हुई तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। मरीना को किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत हुई होती तो शायद उनके वालिदैन उसके साथ मरीना की शादी पर एतराज ना करते लेकिन मरीना एक मसीही शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई। जलील अख्तर भी शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। वो प्रोड्यूसर होने के साथ साथ मशहूर म्यूजिक बैंड वाइटल साइंस के मैनेजर भी थे। उनका ताल्लुक पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, इसी वजह से मरीना खान के वालिदैन को इस शादी पर एतराज था। मरीना के पश्तून वालिद तो बिलाखिर रजामंद हो गए लेकिन मरीना की अंग्रेज वालिदा उनसे नाराज ही रही। उनकी ये नाराजगी शादी के बाद भी कुछ अरसा बरकरार रही। वालिदा की नाखुशी के सबब मरीना के वालिद ने भी निकाह की तकरीब में शिरकत नहीं की। मरीना अपनी शादी के दिनों में अपनी एक दोस्त के यहाँ मुंतकिल हो गई थी और वहीं उनकी शादी हुई। दरअसल मरीना की अंग्रेज वालिदा ने भी अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ उनके वालिद से शादी की थी, इसी वजह से उनकी वालिदा यानी मरीना खान की नानी ने 6 माह तक उनसे बात नहीं की। शायद मरीना के भी अपने मजहब से बाहर शादी करने पर उनकी वालिदा के सामने अपनी वो तलख यादें आ रही थी। ताहम बिलाखिर मरीना खान के वालिदैन ने इस शादी और अपने दामाद को कबूल कर लिया। जब मरीना के वालिदैन बीमार हुए तो जलील अख्तर ने इसी तरह उनका ख्याल रखा जिस तरह कोई बेटा अपने माँ बाप का रखता है। मरीना की वालिदा को कैंसर जैसे तकलीफ दा मर्ज से गुजरना पड़ा। अब उनकी उम्र 57 साल हो चुकी है लेकिन वो अपने वालिदैन की कमी को शिद्दत से महसूस करती हैं। मरीना की जिंदगी में एक और नुमाया कमी औलाद की है। मरीना खान और उनके शोहर ने शादी के बाद फैसला किया था कि वो 5 साल बाद पहला बच्चा पैदा करेंगे लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज मरीना खान
शान और जलील अख्तर की शादी को 31 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके हाँ कोई औलाद नहीं। औलाद इंसान की जबीली ख्वाहिश होती है, हर इंसान अपना निशान चाहता है। मरीना खान ने शोहरत और उरूज के बेमिसाल जमाने देखे, दौलत कमाई, मगर सब कुछ होने के बावजूद उनकी औलाद की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, और यही वजह है कि सब कुछ होने के बाद वो आज भी अधूरी हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह मरीना खान को सेहत, लंबी जिंदगी और कल्बी सुकून अता फरमाए। आमीन।